इस तरह की और भी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। ब्रह्मांड में पृथ्वी सबसे सुंदर और अनोखा ग्रह माना जाता है। माना जाता है कि ये एकमात्र ग्रह है जहाँ जल, जीवन, जन और प्राकृतिक चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अनजान हैं? आइए जानते हैं इन अनोखी दुनिया के बारे में। शरीर की अनोखी बातें। हम अपने शरीर से जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर से जुड़ी कई बातों से हम अनजान हैं। जैसे कि मनुष्य के दिमाग में इतनी ऊर्जा होती है जिससे बल्ब जलाया जा सकता है। हमारा दिल लगभग 30 फीट ऊपर तक खून को उछाल सकता है और शरीर के भीतर रक्त प्रतिदिन 1000 चक्कर लगाता है। जमीन की कुछ अनोखी बातें। एक द्वीप जिसका नाम टोकेलाव है, वहाँ सौर्य ऊर्जा से बिजली प्राप्त की जाती है। बर्फीली जमीन के भीतर अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा झीलें मौजूद है। लगभग 200 करोड़ से ज्यादा इंसान नियमित आहार में कीड़े मकोड़े खाकर पेट भरते हैं। कॉस्मोपॉलिटन संबंधित सभी जगहों में ग्रेबस नामक एक पक्षी साफ पानी में रहते हैं और वो पानी के अंदर के जीवों को खाकर जिंदा रहते हैं। लेकिन इन पक्षियों में एक अजीब आदत है जो वैज्ञानिकों के भी समझ के परे है। ये पक्षी स्वयं के पंखों को नोचते हैं और इनके पंखों को अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं। अपने माता पिता का ये व्यवहार देखकर छोटे पक्षी भी अपने पंखों को नोचते हैं और खा लेते हैं। पानी के अंदर की बातें। पानी के अंदर भी एक अनोखी दुनिया है। पानी के अंदर जीवों की एक अलग दुनिया होती है जिनका जीवन अनोखा है। एक केचुआ एक दिन में अपने शरीर के वजन के बराबर खाना खाता है। डेडसी कभी भी पूरी तरीके से मरता नहीं, ये खारे पानी में भी जीवित रहता है। पानी के अंदर के ज्यादातर बड़े जीव छोटे जीव को खा जाते हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने बच्चों को खा जाते हैं। मड स्कीपर एक मछली की प्रजाति है जो पानी के बाहर धरातल में कई घंटों तक जीवित रहकर भोजन करती है, खेलती है, कूदती है। ये अपने दोस्त पंजी थैलों में पानी भरकर रख लेती है जिससे वो अपनी गलफड़ों को गीला करके रखती है। साथ ही मुंह खोलकर ऑक्सीजन ले लेती है जिससे कि उसकी सांसें चलती है। अंतरिक्ष की बातें। अंतरिक्ष की दुनिया भी एक अनोखी दुनिया है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य का आकार अगर एक संतरे जैसा हुआ तो पृथ्वी का आकार धूल के कण के समान होगा। सूर्य भी आसमान का एक तारा ही है जो पृथ्वी से 8 मिनट 18 प्रकाश सेकंड की दूरी पर है। सूर्य पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होने पर ये अन्य तारों से ज्यादा प्रकाशमान और शक्तिशाली दिखता है। पृथ्वी से तारों तक की दूरी को सामान्य किलोमीटर या इकाइयों में मापा नहीं जा सकता, इसलिए इसका मापन विशेष प्रकार के पैमाने से किया जाता है जिसका नाम प्रकाश वर्ष रखा गया है। प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऑक्सीमा सेंटोरी तारा सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। व्याध या लुब्धक आसमान में सबसे चमकीला तारा है। इन तारों की दूरी पार्सेक से मापी जाती है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्षों के समान होता है। आसमान के सब तारे अलग अलग रंगों के होते हैं लेकिन हमें एक रंग जैसे ही दिखते हैं, जबकि स्पेक्ट्रम दर्शी से सब भिन्न भिन्न रंग के नजर आते हैं जो तापमान में परिवर्तन के कारण एक रंग जैसे दिखते हैं। सूर्य भी पीले रंग के जीव वर्ग का एक तारा है। हार्वर्ड वेधशाला में वैज्ञानिकों ने 19वीं सदी में तारों को वर्गीकृत किया और तारों को OBAFGKM नाम दिया जिसके अनुसार सूर्य को जी वर्ग का तारा कहा गया है। यूरेनस ग्रह में दो मौसम होती है, सर्दी और गर्मी, और एक मौसम 42 वर्ष तक बना रहता है। प्लूटो ग्रह का नाम एक 11 वर्ष की बच्ची जो इंग्लैंड से थी उसके नाम पर 1930 में रखा गया है। इस दुनिया में कुछ ऐसी अनोखी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है और जो पता है वो एक कण के समान है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।